इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक चेतावनी देना चाहते हैं। ये वीडियो वो लोग बिल्कुल ना देखें जो सनातन धर्म को खत्म करने की बातें करते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन सभी को खून के आंसू रुलाने वाली है। खबर है कि इस्लामिक आतंकी संगठन हमास को शुरू करने वाले एक बड़े नेता के बेटे ने हिंदू धर्म की तारीफ की है, भगवान कृष्ण और गीता का जिक्र किया है और जाते जाते यहां तक कह दिया कि मुसलमान कभी भी दूसरे समुदायों के साथ चैन से नहीं रह सकते। हमास आतंकी के बेटे ने हिंदुओं के लिए जो कहा वो आज पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, खासतौर पर कट्टरपंथियों और वामपंथियों को। हमास आतंकी संगठन को पैदा करने वाले सदस्यों में से एक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाब हसन ने अपने बयान से दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मोसाब हसन ने हिंदुओं की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि मोसाब हसन अपने पिता की कट्टर और आतंकी सोच से परेशान हो गए थे, इसीलिए मोसाब हसन ने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मोसाब हसन इस बात से काफी खुश है कि भारतीयों ने और विशेष तौर पर हिंदू समुदाय ने हमास जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ आगे बढ़कर आवाज उठाई है। मोसाब हसन के बारे में दुनिया को तब पता चला जब उन्होंने सन ऑफ हमास नाम की एक किताब लिखी। मोसाब ने कहा कि हमास के आतंकी खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सभी जोकर हैं। मोसाब ने गीता और भगवान कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि कट्टर इस्लामिक सोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोसाब ने आगे कहा कि मुस्लिम कभी भी दूसरे समुदायों के साथ नहीं रह सकते, वो ऐसा करना ही नहीं चाहते। मोसाब का मानना है कि हिंदुओं को कभी भी किसी से कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक कि ईसाई और यहूदी भी एक साथ रह लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुसलमानों की ही तरफ से हमेशा हिंसा होती है। मोसाब ने कहा कि किसी भी सूरत में दुनिया को धार्मिक आतंकवाद स्वीकार नहीं करना चाहिए। मजे की बात देखिए कि आतंकी का बेटा होने के बावजूद मोसाब हसन हिंदू धर्म की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन भारत में ही बैठे कई लोग सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहते हैं।